छोड़कर सारे काम आप सभी सुधी जनों को देवर्षि नारद का शत प्रणाम भ्रमण करने के पश्चात सारे त्रिलोक और धाम मन आकर रुक गया देख कर भूलो कि ये विपज श्याम नारायण नारायण परंतु मैं आपको बताने जा रहा हूँ देवलोक का एक गोपनीय भेद माता लक्ष्मी और लंबोदर गणेश में छिड़ गया है मतभेद दीपावली के स्वर्ण अवसर पर उत्पन्न हुआ है ये विच्छेद आपकी पूजा अर्चना जाएगी असफल ये बताने में मुझे हो रहा है खेद और ये विडंबना ही है मेरी चिंता का एकमात्र कारण पिता ब्रह्मदेव और इष्ट नारायण ने बताया एक ही निवारण देवादिदेव त्रिलोकी भोलेनाथ ही कर सकते हैं इस समस्या का उच्चारण अतिशीघ्र जाओ उनके पास अन्यथा जलते रहो नारायण नारायण तो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मैं आपके समक्ष इस घटना का लाइव टेलीकास्ट कास्ट भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है इसलिए कर लो अपने दृष्टिकोण को वास दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ आपको और कास्ट जा रहा हूँ शंकर के पास ताकि वो कर सके इस समस्या का समाधान फास्ट नारायण नारायण प्रणाम शिव शंभु प्रणाम है ऑर्डर दानी आंखें खोली है दृष्टा साक्षी अंतर्यामी योग निद्रा से बाहर है सर्वोत्तम योगेश्वर इस संकट का उपचार करे हे ईश्वर परमेश्वर योग निद्रा भंग करने से हो सकती है सृष्टि को हानि हे देवराज इंद्र आपकी नेत्रकारों की स्तुति से जगाने में होगी आसानी जो आपके देवर्षि Thank you.
विस्तारा से मिलती रहे हैं आप जितना क्या मदद ही आप कर रहे हैं बाकी आर्यनाथ आपसे क्या छुपा है भेद माता लक्ष्मी और पुत्र गणेश में हो गया है आपसे मतभेद मैं तो हूँ मेरे नारायण का सेवक नहीं है मुझ में कोई मोह पर तो कैसे मनाएगा मनुष्य ये त्योहार प्रभु सोशल मीडिया पर कहां पता चलता है आजकल रिश्तों का भेद समूचा ये तो मूर्ख मनुष्यों का भय जिनके लिए आज पूजा तो कोई कोई पूजा लगता है आप बातों को उसी प्रकार गोल गोल घुमाएंगे पर मतलब का कार्य किसी तभी से जोर मिल जाता है श्री गणेश ने कहा कि दिवाली पर धन का होता है अपव्यय दीपों के स्थान पर मनुष्य करता है मदिरा पान और पटाखों में अतिव्यय माता लक्ष्मी को उनके व्यवहार से प्रतीत हुआ अपमान और अभिनय और कर लिया उन्होंने न्यायालय की पेंडिंग केसेस से तो परलोक सिधारे मनुष्य तक त्रस्त हैं और हमारे न्यायालय वो तो बस मंदिर मस्जिद के पचड़ों में ही व्यस्त है हम तो सर्वव्यापी में कहा समय और मनुष्य अशिक्षा और गरीबों में जीवन बताएंगे तो मंदिर वही बनाएंगे मस्जिद वही बनाएंगे अंततः इस समस्या का समाधान तो हो जाएगा नहीं थी मेरी देवी लक्ष्मी का अपमान करने की मंशा परंतु
पर्वतों से वातावरण और पशु पक्षियों को होने वाली हानि ही मेरी चिंता का विषय है कक्षा। मैं स्वयं करता हूँ देवी लक्ष्मी के धैर्य और अपमान की प्रशंसा, परंतु जुए एवं मदिरापान से मनुष्य करता है स्वयं देवी का अपमान बिना किसी संशय। यदि मेरा तर्क पर्याप्त नहीं है तथ्यों के लिए एक बाकी, तो प्रस्तुत है आपके समक्ष देवलोक के वास्तविक रूप में नारद मुनि के शेयर किए वीडियो की झांकी।
पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप है ज्ञान और धन की मूरत, मैं आपका विद्यार्थी हूँ। मनुष्य को प्रगति मार्ग पर अग्रसित करती है आप, मैं तो आपका सारथी हूँ। अंधविश्वास और भोग में लिप्त है मनुष्य, मैं पथ प्रदर्शन की आशा रखता शरणार्थी हूँ। दोष तुम्हारा नहीं है पुत्र, क्रोधित हूँ मैं मनुष्य के संस्कारों के प्रति, ताप लोभ और अंधविश्वास नामक विकारों के प्रति, दिखावे और मोह माया में फंसे मनुष्य के आंतरिक अहंकारों के प्रति, धर्म और सद्मार्ग से दूर होते मनुष्य के विचारों के प्रति। पुत्र गणेश, आप दोनों ही मानव कल्याण हेतु पूर्णतया सजग हैं। आपकी चिंता भी प्रगति मार्ग पर सहज और अलग है। ये तो मनुष्य अपने तौर तरीकों से हो चुका निर्लज है, तत्पश्चात भी करुणा भाव से लहराते आप धर्म का ध्वज। आवश्यक है मनुष्य के लिए कि वह खोले अपने नेत्र, अन्यथा काल को खोलना पड़ेगा अपना त्रिनेत्र। करे अपने कर्तव्यों का वहन और जाने सम्मान का क्षेत्र और बने समाज के लिए ये उदाहरण बनकर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ। अर्थात कर्तव्य ये हुआ